कैसे सूत्रात्मकता स्थापित की जाए और त्रिभाषा की जो नीति है उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इस संदर्भ में विस्तार से विवेचन किया गया है। इन सभी पक्षों को बृहद परिप्रेक्ष्य में बहुत सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे हमारे आज के मुख्य वक्ता और केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के माननीय कुलपति प्रोफेसर टी वी कट्टीमणि जी। जैसा आदरणीय कुकरेती जी ने बताया कि इसके पहले वे अमरकंटक जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने हिंदी ही नहीं अन्य विषयों पर गंभीरता से लेखन किया है। सतत प्रेरणा के स्रोत रहे, बहुत से लोगों को ज्ञान और साहित्य से जोड़ने का एक सार्थक उपक्रम किया है। तो इसी संक्षिप्त परिचय के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर टी वी कट्टीमणि जी को, वे इस आभासी माध्यम से वर्चुअल मोड में अपने विचारों को व्यक्त कर हमें गौरवान्वित करें, लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर टी वी कट्टीमणि। धन्यवाद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, सबको प्रणाम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से इस हिंदी पखवाड़ा समारोह में, हिंदी दिवस समारोह में भाग लेते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। स्वागत भाषण और इसके कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर आरपी दास जी, समकुलपति प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी, मुख्य अतिथि मेरे कहिए मार्गदर्शक माननीय श्री शंकरानंद जी, मेरे परम मित्र प्रोफेसर सत्यकाम जी समकुलपति इग्नू, सभी शिक्षक बंधुओं, शोधार्थियों, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी चंद बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आपने एक बहुत अच्छा विषय चुन लिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं का महत्व। आज भारत में, भारत भर में इसकी चर्चा भी हो रही है, कई भाषाओं में गर्मा गर्म बहस भी हो रही है कि मैं सुबह, मेरी मातृभाषा कन्नड़ होने के नाते कन्नड़ के कई ब्लॉगों और विवादों को सुबह पढ़ रहा था कि कई लोगों ने लिखा है कन्नड़ भाषा में कि हिंदी दिवस को हमको नहीं मनाना चाहिए और कई लोगों ने कहा कि हमको कन्नड़ मातृभाषा का दिवस मनाना चाहिए। तो मैंने फेसबुक में इसको लेकर अभी लिखा आपके फंक्शन के पहले कि हिंदी भारत में किसी एक आदमी की, एक क्षेत्र की भाषा नहीं रह गई। जहां दुनिया भर में 130 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है तो अन्य देश के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बिना वजह, बिना कारण पढ़ रहे हैं? नहीं, अन्य देश के लोग बिना वजह, बिना कारण बात नहीं करते, पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते, समय नहीं लगाते, पैसा नहीं, पूंजी नहीं लगाते। उनको मालूम है हिंदी की क्या शक्ति है। हिंदी वालों को, हम लोगों को मालूम है भारतीय भाषाओं की क्या शक्ति। भारतीय भाषाएं और हिंदी, हिंदी भारतीय भाषाएं और संस्कृत, संस्कृत हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी कैसे जुड़ी हुई है। यदि हम शुद्ध हिंदी को लेकर कभी सोचेंगे, शुद्ध कन्नड़ को लेकर सोचेंगे, शुद्ध अंग्रेजी को लेकर हम काम करना शुरू करेंगे,
आधे से ज्यादा शब्दों को हमको छांटना पड़ेगा। अंग्रेजी में इडली आ गया है, डोसा आ गया है, चटनी आ गया है, रसम आ गया है, कन्नड़ में टोस्ट आ गया है, हिंदी में इतने सारे शब्द काम के, ब्रेड बटर को लेकर, चीज को लेकर, जो मतलब हम सबकी भाषाएं मिली जुली हैं। मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा तमिल, मातृभाषा गुजराती, आप कहीं भी देखिए गुजराती में हिंदी के आधे से ज्यादा शब्द हैं, हिंदी में कन्नड़ के 15% शब्द हिंदी में मौजूद हैं, जनजातीय भाषाओं के शब्द हिंदी में मौजूद हैं। इस तरह भारत में, हमारे देश में भाषाएं कभी छुआछूत का आचरण नहीं करती। किसी एक भाषा को, किसी एक शब्द को, किसी एक प्रथा को, किसी एक व्यवहार को हिंदी ऐसे ऐसे समा लेती है। हो फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर का जो की आदिवासी भाषा है, हो बहुत ही सशक्त, बहुत पुरानी भाषा। मैंने कहीं एक बार छापा है, हो के बहुत पुराने शब्द हिंदी में इस 50 वर्षों में आ गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इसको देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषाओं को बहुत बड़ा स्थान दिया है, तवज्जो दिया है। मैं खुद भाषा का प्राध्यापक हूं, हिंदी भाषा का प्राध्यापक हूं, जो कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, कन्नड़ मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में मैं सपना देख सकता हूं। हिंदी में मैंने कविता की, क्यों कैसे, ये बहुत सरल है। किसी भी चीज को, वस्तु को हम दिल से अपनाएंगे, दिमाग से अपनाएंगे, दिन रात संकल्प करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, वो अपने आप हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए। मैं कन्नड़ में लिखता हूं, कन्नड़ में लिखते लिखते, भाई शंकरानंद जी को ये सब मालूम है, मैं अक्सर हिंदी की शक्ति के बारे में बात करता हूं। जो हम छोटी छोटी भाषाएं, छोटे छोटे भाषा प्रदेश में हम सिकुड़ गए हैं। मलयालम का भाषा क्षेत्र बहुत छोटा है, तमिल का भाषा क्षेत्र बहुत छोटा है, आंध्र प्रदेश में जहां मैं अभी रह रहा हूं तेलुगु का भाषा क्षेत्र बहुत छोटा है। तेलुगु का आदमी बाहर जाएंगे, बिहार में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, काशी में जाएंगे, तो वहां के गांवों के, कस्बे के लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, कि हमारा कारोबार व्यवहार को बढ़ाने के लिए हमको जो कंज्यूमर्स हैं उनकी भाषा में व्यवहार करनी पड़ेगी। ये सामान्य नियम है। शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर बहुत बड़ा प्रेरक काम किया गया है। पूर्व प्राथमिक शाला से कम 6वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। ये दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल।
ये दीवार पर लिखा हुआ है ये मैसेज, ये संदेश, क्यों मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। मैं आपके सामने ये गवाह हूं, मेरी शिक्षा हिंदी में कभी नहीं हुई, अंग्रेजी में कभी नहीं हुई। फर्स्ट स्टैंडर्ड से बीए कंप्लीशन तक मैंने कन्नड़ मातृभाषा में पढ़ी। हिंदी मेरे लिए विदेशी भाषा थी, उसको लेते लेते पढ़ते पढ़ते उसमें घुसते घुसते मैंने हिंदी भाषा को अपने दिल में घुसा लिया, दिमाग में घुसा लिया, और अब लगता है कि नहीं नहीं हिंदी भी मेरी मातृभाषा। क्योंकि किसी भी भारतीय को भारत में सफल होना है, अब मैं कहता हूं कि कर्नाटक में सफल होना है, बेंगलुरु में सफल होना है, अहमदाबाद में सफल होना है, रांची में सफल होना है, लेकिन भारत में सफल होना है तो एक संपर्क भाषा के साथ हमको जुड़ना है। संकल्प संपर्क भाषा को सीखना है, इसका मतलब मातृभाषा को सीखना नहीं है। मातृभाषा में पारंगत होना ही है, मातृभाषा में हमको व्यवहार करना है, मातृभाषा में पढ़ना लिखना बोलना सोचना जरूरी है। लेकिन भारतीय भाषा, जो भारत के बहुत सारे लोग जिस भाषा को जान सकते हैं जान रहे हैं, उसमें व्यवहार करना भी जरूरी है। एयरटेल में एयरटेल की एक सिग्नेचर डायलॉग है, एक्सप्रेसिवर्स है, हमको अपने आप को अभिव्यक्त करना है तो मुझको मैडम कुकरेती की भाषा में अभिव्यक्त करना है, सत्यकाम जी की भाषा में अभिव्यक्त करना है, ताकि मैं सीधा जुड़ सकूं, कोई दूसरा मीडियम से माध्यम से नहीं जुड़ना। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा का विकास, मातृभाषा में पाठ्यक्रम, मातृभाषा में साहित्य का लिखना पढ़ना अध्ययन करना, अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित करना, अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी मातृभाषा में पारंगत हो, जब हम अपनी मातृभाषा में खुशहाली से रह सके, तब हम आपकी मातृभाषा की खुशहाली से ही हम व्यवहार कर सकते हैं। जो अपने घर में खुश नहीं है, दूसरों के घरों को कैसे खुश रख सकते हैं। हम पहले मातृभाषा में पारंगत हो। प्रोफेसर दास मेरे सामने है तो मुझे उड़ीसा भाषा की याद आ रही है। अब मैं उड़ीसा बॉर्डर में हूं, मलकनगिरी हिल्स में जो ट्राइब्स हैं बोंडा ट्राइब्स, उनको लेकर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर अब काम करना शुरू किया। तो दुनिया देश भर के स्कॉलर्स को 20 लोगों को मैंने इकट्ठा किया, इन 20 लोगों में 10 लोग उड़िया मातृभाषा के। तो किसी ने मीटिंग में मजाक से कहा, कहते मैंने साहब आपने तो इसको उड़िया बना दिया। मैंने इसलिए कहा कि ये जो ट्राइब है मलकनगिरी में रहने वाले, थोड़ा स्प्लिट आंध्र प्रदेश में रहने वाले, ये उड़िया भाषा क्षेत्र के केंद्र में रह रहे हैं, 32 हिल विलेजेस में रह रहे हैं। तो उड़िया लोगों को लेने से, क्योंकि वो ट्राइब्स 20% 10% उड़िया भाषा से स्नेह रखते हैं, वार्तालाप रखते हैं। ये व्यावहारिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे है। किसी भाषा को ऊंचे उठाना, नीचे गिराना, मध्य में रखना नहीं है। हर एक भारतीय भाषा को उनका स्थान, गौरव, इज्जत और स्थान देना है, जिससे भाषाभाषी कंफर्ट महसूस कर सके, आनंद महसूस कर सके, सिक्योर महसूस कर, उनको लगना चाहिए, मुझको लगना चाहिए कन्नड़ भाषी होने के नाते, मेरी भाषा मातृभाषा का स्वरूप स्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुरक्षित है। और मुझे ये भी मालूम है मेरी मातृभाषा को
दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, जम्मू तक पहुंचाने के लिए, कश्मीर तक पहुंचाने के लिए, रण कच्छ में पहुंचाने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचाने के लिए मुझे और एक व्हीकल की मुझे जरूरत होती है। वो व्हीकल, वो वाहन, वो माध्यम हिंदी बखूबी कर सकती है। ये केवल प्यार और मोहब्बत और राष्ट्रप्रेम के कारण से मैं हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, व्यावहारिकता के कारण से मुझको अपना लोकल व्यापार को वोकल करना है प्रधानमंत्री जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो इस अपनी हस्तकला को मुझे देश भर में, देश के बाहर बेचना है, व्यापार करना है, कारोबार करना है। तो व्यापार कारोबार देश को जोड़ने वाली भाषा, कंज्यूमर्स की भाषा को भी मुझे अपनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे हिंदी की जरूरत है। मैं इतना अपनी बातों को आपके सामने रखते हुए विराम देता हूं। आपकी तरह मैं भी भाई शंकरानंद जी की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक। आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। अत्यंत आभार आदरणीय प्रोफेसर कट्टीमणि जी। कट्टीमणि जी ने भाषा, अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और रोजगार, इन सभी को एक सूत्र में बांध करके उसे देखने और उसके महत्व को प्रतिपादित करने का बहुत सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इसके लिए हार्दिक आभार। निश्चय ही हमारे लिए ये लाभकारी रहेगा। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शंकरानंद जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल को, कि वे अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, प्रशस्त करें। बहुत संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। माननीय शंकरानंद जी मूलतः इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, उसके अध्येता हैं। और इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में और ज्ञानवर्धक के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में 30 वर्षों से अधिक पूरी निष्ठा से अपना दायित्व निभाया है। ये संघ प्रचारक रहे हैं 1988 से कर्नाटक उत्तर में। ये विभाग प्रचारक थे, प्रांत के बौद्धिक प्रमुख थे, सह प्रांत प्रचारक थे और प्रांत प्रचारक थे। इन सभी दायित्वों को संभालने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ये भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के रूप में अपने गंभीर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि ये विचार, चेतना और सामाजिक परिवर्तन के सूत्र के रूप में अपने महत्वपूर्ण दायित्व से सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। और ये विचार और बौद्धिकता के एक स्तंभ हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शंकरानंद जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे इस वर्चुअल माध्यम से हमें उद्बोधित करें, संबोधित करें। आदरणीय शंकरानंद जी। सर अनम्यूट कर ले। सभी को प्रणाम। यहाँ उपस्थित ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और मूर्धन्य ऐसे सभी शिक्षकों के चरणों में मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पित कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यही एक विशेषता रही है कि मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में अहिंदी भाषी व्यक्ति को बुलाया गया है। हिंदी की उदारता ये महिमा मंडन करने के जैसा ही है। ये केवल हिंदी की मात्र नहीं, ये पूरा
भारतीय भाषाओं की विशेषता है। भारतीय भाषाएं अत्यंत वैज्ञानिक है। क्या है और क्यों है, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर भारतीय भाषाओं में मिलता है। लेकिन जिसके चंगुल में हम फंस गए हैं, अभी भी गुलामीपन को ही चाहने वाले, उसी को लेकर जीने वाले, ऐसी भाषा अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी के विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी एक भाषा के रूप में सीखना ये बहुत जरूरी है। केवल अंग्रेजी मात्र नहीं, दुनिया के अनेकों भाषा हमको सीखना ही चाहिए अपने ज्ञान विकास के लिए। सभी भाषाएं माता के समान ही हैं, मातृ समान है, यह अपनी दृष्टि है। मातृ समान है, इतना आदर भाव, पूज्य भाव। ऐसा क्षमा करिए, कुछ आवाज हो रही है, टेक्निकल पीपल कुछ हाँ, मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे सभी महिलाएं अपनी मातृ समान है, हमारे लिए मातृ समान है, वही आदर पूज्य भाव मन में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जिस माता के खोक से हमने जन्म लिए हैं, उसके तुलना हो ही नहीं सकता। आवाज आ रही है ना? हाँ, इसीलिए हिंदी अपनी अपनी माता है। सभी भाषाओं को हम आदर करें, लेकिन जिस माता के कोख से हमने जन्म लिया है, वो उस माता के साथ किसी को तुलना हम नहीं कर सकते। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा हो, स्पेनिश भाषा हो, अरेबिक भाषा हो, पारसी भाषा हो, किसी अन्य देश की भाषा हो, सभी का आदर हम करेंगे, सीखेंगे। लेकिन भारत में हिंदी मातृभाषा है, ऐसे 2011 के जनगणना में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, ऐसे लोग 43.63% है। और तीसरी भाषा के रूप में बोलने वाले, समझने वाले यदि हम जोड़ देते हैं, 57% है। अंग्रेजी बोलने वाले 0.02%, .02% लोग हैं। यानी अपनी व्यवहार की भाषा क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक भाषा क्या होनी चाहिए, न्यायालय की भाषा कौन सी होनी चाहिए, ये तय करने में एक जांच कमेटी बैठाने का जरूरत नहीं है, एक कॉमन सेंस है। ऐसी भाषा की भूमिका क्या हो सकती है? भाषा ये विकसित समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन है, अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय साधन है भाषा। मनुष्य के विकास यात्रा में भाषा की भूमिका अहम है। भाषा के बिना मनुष्य ही अपूर्ण है। आज इतना महत्व भाषा के लिए हम नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दौर्भाग्य है। और अपने इतिहास और परंपरा से यदि भाषा को हम छोड़ देते हैं, तो इतिहास और परंपरा से हम पृथक हो जाते हैं। इसलिए भाषा का महत्व बहुत अपने जीवन में हम देना चाहिए और है भी। जिस प्रकार मनुष्य के विकास में भाषा की अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार एक समाज के विकास में भी भाषा की भूमिका अहम ही होती है।
भाषा वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी होने के कारण शिक्षा का आधार भी बन जाता है। शिक्षा यानी संस्कार है, संस्कार से ही मनुष्य का निर्माण संभव हो पाता है। इसीलिए सुसंस्कृत समाज का निर्माण यदि हमको करना है तो भाषा का आधार के बिना हम निर्माण नहीं कर सकते सुसंस्कृत समाज का। एक सभ्य समाज का निर्माण भाषा के आधार पर ही हो सकता है। जिस समाज में भाषा का आदर नहीं होता, प्रत्युत दूसरी भाषा की तुलना में अपनी ही भाषाओं की अवहेलना हम करते हैं, तो वह समाज विनाश की ओर चल पड़ता, विनाश सुनिश्चित होता है। इसीलिए अपनी संस्कृति में भाषा को माता देवता का स्थान हमने दिया है। भाषा के बिना मनुष्य एक पशु के समान हो जाता है। जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति जिस भाषा में बोलना सीखता है वही उसकी मातृभाषा है। यह मातृभाषा उसकी पहचान बन जाता है। शिक्षा के संदर्भ में यदि हम सोचते हैं तो किसी अनजान भाषा को बच्चों के ऊपर लादा जाता है, ये अत्यंत कपटपूर्ण कृत्य इसे समझना चाहिए। महात्मा गांधी जी 1909 में स्वराज्य में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों को अंग्रेजी सिखलाना उन्हें गुलाम बनाना ही है। गांधी जी विदेशी माध्यम का कटु विरोधी थे। उनका मानना था कि विदेशी माध्यम बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने, रटने और नकल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है और उनमें मौलिकता का अभाव पैदा करता है। यह देश के बच्चों को अपने ही घर में विदेशी बना देता है, ऐसा था उनका कहना। विदेशी माध्यम का रोग बिना किसी देरी से रोक देना चाहिए, ये गांधी जी के वाक्य है। भारत से जुड़ने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भाषा के बिना भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ कोई भी जुड़ नहीं सकते। केवल मातृभाषा से ही यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने 20 अक्टूबर 1917 को गुजरात के बड़ौच में एक शिक्षा सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन में कहते हैं, विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में दिमाग पर जो बोझ पड़ता है वह असह्य है। यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। वे दूसरे बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाते। इसमें हमारे स्नातक अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। उनमें खोज करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, साहस, धीरज, वीरता, निर्भयता, अन्य ऐसे कई प्रकार के गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। इससे हम नई योजनाओं को नहीं बना सकते और यदि बनाते हैं तो भी उन्हें पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोग जिनमें उपयुक्त गुण दिखाई देती हैं अकाल ही काल के जाल में चले जाते हैं। इसके कारण आज भारत में हम रट पीट कर औसत बुद्धि वाले इंजीनियर और डॉक्टर तो पैदा कर रहे हैं लेकिन खोजकर्ता, वैज्ञानिक, मौलिक चिंतक और दार्शनिक ऐसे श्रेष्ठ लोगों को नहीं पैदा कर पा रहे हैं। भारत की अधिकतम आबादी
नवीनतम ज्ञान विज्ञान तक पहुंचने से वंचित है, जिसमें मौलिकता बची हुई है उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया गया है। इसके कारण अनगिनत छात्र प्रतिभा से संपन्न होते हुए भी अपना योगदान देश के लिए जो देना चाहिए वह नहीं दे पा रहे। और एक वास्तविक जानकारी हमें समझना होगा, सामान्यतः अपनी मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करने से जिस प्रकार देश की प्रगति हो सकती है, यहाँ अनुसंधान आधारित अध्ययन से प्राप्त हुई आंकड़ों से समझता है। इससे आंखें खुलना भी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा और देश की प्रगति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक आंकड़ों का याद दिलाना चाहता हूं। एनकार्टा एनसाइक्लोपीडिया से जिन देश छोटे आबादी वाले हैं लेकिन अपनी मातृभाषा को अपनाया है, ऐसे देश कितने प्रगति की है, उनके जीडीपी कितने हैं, ये भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा ऐसा लगता है। स्विट्जरलैंड हो, डेनमार्क हो, जापान हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इसराइल, दक्षिण कोरिया, ये सभी अपनी लोगों के माध्यम से बोली जाने वाली भाषा को ही प्रशासनिक भाषा, राजभाषा बना दिया। इसके कारण उनकी प्रगति अच्छी हो रही है, इसके कारण आर्थिक प्रगति भी इससे जुड़ी हुई है। और कुछ लोगों का याद देशों की नाम ने लेना चाहता हूं, युगांडा, टोगो, अंगोला, नाइजीरिया, तांजानिया, कांबोडिया, मोजाम्बिक, मालावी, कांगो, ऐसे कई सारे देश हैं जिन देशों में वो छोटे होते हुए भी औपनिवेशिक भाषा को उन्होंने अपनाया है, राजभाषा बना दिया है। इसके कारण वो आर्थिक प्रगति में कहां खड़े हैं, ये हम प्रत्यक्ष अपने सामने हैं। इससे भी हम यदि सीख नहीं सीख पाते तो आगे आने वाले दिनों में अपना देश की प्रगति भी हम कर नहीं पाते। इसीलिए हमको यह विश्लेषण का तात्पर्य यह नहीं है कि ये सब देश मातृभाषाई वर्गीकरण के कारण से ही निर्धन है, लेकिन निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण कारण तो है ही। भाषाई दासत्व के अध्ययन के फलस्वरूप श्रेणी भेद और दूरगामी आर्थिक सामाजिक परिणामों के होते हुए भी भाषा एक महत्वपूर्ण विषय है। भाषा आधारित श्रेणी भेद लोगों को अनेक प्रकार से आहत करता है। इससे स्थानीय संस्कृति की तुलना में विदेशी संस्कृति को महत्व मिलता है। परिणाम स्वरूप लोगों के मूलभूत विश्वास और स्वाभिमान में कमी आने लगती है। ऐसे दूसरी भाषा को महत्व देने से अपनी मातृभाषा से अलावा दूसरी भाषा को यानी विदेशी भाषा को महत्व देने से देशों की बौद्धिक और नीतिपरक मान्यताओं से टूटन जन्म लेने लगती है। समूची जनता को भिन्न भाषा से उच्च अध्ययन करने के पुनर्शिक्षण का खर्चा उठाना पड़ता है। इसके कारण स्थानीय भाषा में शिक्षित लोगों को प्रगति के लिए एक अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में औपनिवेशवादी उच्च वर्ग अन्यों से ऊपर उठा रहे होता रहता है और दूसरे लोगों के मन में उनके अनुकरण की महत्वाकांक्षाएं पलती रहती है। इसके चलते आर्थिक प्रगति को भी अंग्रेजी अपनाने से ही जोड़ा जाता है, अंग्रेजी प्रशासनिक भाषा हो जाता है भाषा और बोली भाषा हो जाती है तो मात्र हम प्रगति कर सकते हैं, ऐसा भाव निर्माण करने का एक साजिश चलता है।
भारत में यही तो हो रहा है। इसके कारण भारत में स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो प्रगति होनी थी वह हो नहीं पाई। प्रतिभा से संपन्न अनगिनत युवा इस भाषाई दासत्व के कारण अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। देश की प्रगति का यह एक प्रमुख बाधक बना हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपने सामने उपस्थित है, इसमें भारतीय भाषाओं को भी लेकर बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैं मानता हूं भाषा नीति को लेकर यहां आदरणीय कट्टीमणि जी उपस्थित हैं और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे वो ड्राफ्ट कमेटी में रहे, ऐसे उसके सम्माननीय आदरणीय सदस्य इस भाषा नीति को रूपित करने में बहुत सोच समझ कर किया है। फिर भी एक छोटा सा कमी रही है, लेकिन उसको आगे आने वाले दिनों में हम ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में और मातृभाषा को महत्व देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसमें उसको उल्लेख भी किए हैं। उसका मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं केवल पुनस्मरण के लिए। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक यानी 5वीं तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि 8वीं तक और उससे आगे तक भी हो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता की पाठ्यक्रम पुस्तकों को घरेलू भाषाओं में यानी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारक निर्णय है। इसमें ऐसा संकल्प किया गया है कि उच्च भाषा उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध किया जाएगा और जो 8वां परिच्छेद में जो भाषाएं उल्लेखित किए हैं 22 भाषा, इन सभी 22 भाषाओं में उच्च शिक्षा के सभी विषय सभी कोर्स अनुवाद किया जाएगा और उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संकल्प है। बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षा के माध्यम इन दोनों के बीच यदि गैप रहता है या अंतराल होता है उससे प्रगति रुकती है। इस अंतराल को खत्म करने का संकल्प इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है, इसको समाप्त करने का संकल्प किया गया है। इसीलिए यहां भारतीय भाषाओं के माध्यम से, घरेलू भाषाओं के माध्यम से, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के कारण मनुष्य का विकास किस प्रकार हो सकता है इसका विस्तार से वर्णन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। अभी परिचय करते समय उल्लेख किया गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत इसके नाम पर भारतीय भाषाओं को हिंदी को मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों संस्थान सभी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से और सरकारी संस्थानों के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से भी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन एक करने का संकल्प भी इसमें किया गया। भाषा केवल पढ़ाई के लिए मात्र नहीं,
भावनाओं का आदान प्रदान भी इसके माध्यम से हो जाता है। इसीलिए भाषा यानी संस्कार का माध्यम है, संस्कृत यह भाषा भी संस्कार के लिए है। केवल संस्कृत को प्रथम भाषा के रूप में लेने से अंक अधिक मिलेंगे इसीलिए लेना चाहिए, ये ना ये नहीं है। ये अंक का लालच से कुछ लोग लेते हैं, लेकिन संस्कृत संस्कार के लिए है, संस्कार मनुष्य बनने के लिए है। यदि मनुष्य ही नहीं बनेगा तो जीवन व्यर्थ है। ये 2 × 2 = 4 सिखाना सरल है। a + b² = a² + b² + 2ab ये कोई भी सिखा सकते हैं, लेकिन संस्कार देना, मूल्यों को प्रवाहित करना, ये केवल खुद के जीवन के आदर्श के माध्यम से ही प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसे संस्कार देने के लिए संस्कृत एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। मनुष्य बनने के लिए संस्कृत सीखना चाहिए। अभी यूरोपियन देशों में कई सारे शिक्षा संस्थानों में उनके वेबसाइट में संस्कृत अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अपने देश में अभी भी हम संस्कृत को अनिवार्य करने में उतनी जितनी सफलता प्राप्त करना चाहिए उतनी सफलता प्राप्त अभी तक हमने कर नहीं पा रहे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बातें कही गई है। यस यस यस, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, इसके माध्यम से संस्कृत में ही पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का संकल्प, और संस्कृत थ्रू संस्कृत, संस्कृत के माध्यम से ही संस्कृत सिखाना चाहिए, यह भी बहुत बड़ा संकल्प इसमें किया गया है। अपने देश की भाषा नीति की उदारता देखिए, छोटे बच्चे यानी दूसरी कक्षा तक 2 वर्ष से लेकर आठवां वर्ष तक भाषाओं को सीखने की गति और क्षमता ये अधिक होती है। इसीलिए उस आयु में भी अधिक भाषाओं को सिखाने का प्रयास होनी चाहिए। यह जिक्र यानी उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करते हुए फाउंडेशनल स्टेज में ही अनेकों भाषाओं को सिखाने का प्रयास मातृभाषा को प्रमुखता देते हुए, ये अधोरेखित वाक्य है, मातृभाषा को महत्व देते हुए कई सारे अन्य भाषाओं को भी सीखने के लिए प्रेरित करना, खेलते खेलते सीखना, गाते गाते सीखना, ऐसी एक अनोखा पेडागोजी को भी विकसित करने का संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। फिल्म के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कथा कथन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से कई सारे भाषाओं को सीखने के लिए एक अनोखा कार्य पद्धति यानी पेडागोजी शिक्षा पद्धति को विकसित करने का संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया है। संकल्प इसीलिए किया है कि इन विषयों को लेकर देश में कई सारे शिक्षा संस्थानों में कई वर्षों से 20-25 वर्षों से अच्छा प्रयोग होकर सफल हो चुके हैं, उसका अनुकरण करना चाहिए। उनको लेकर एक मनुष्य निर्माण करने में संस्कार युक्त व्यक्ति के माध्यम से ही सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर पाते हैं, इसमें भाषा की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी अभी देश की भाषा, दुनिया में कई सारे देशों की आबादी ही इतनी नहीं है, उतने लोग हिंदी बोलने वाले हैं। यह मन में यह स्वाभिमान रखते हुए, मन में उच्च कोटि का गर्व मन में भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में रखते हुए, हम अपनी बोलचाल में हिंदी का उपयोग करना चाहिए।
मैं कर्नाटक का होने के बाद भी, दिल्ली आने के बाद मैंने देखा हिंदी का प्रदूषण। मैंने इसीलिए, मैं मजाक में भी कहता था, वो गंभीर विषय भी है, हिंदी लोगों से हिंदी बचाना जरूरी है। रे इतनी अन्य भाषाओं का उपयोग, इतना अपनी भाषा हिंदी इतनी कमजोर है क्या, इतना दुर्बल है क्या? अरे फोन उठाते हैं हेलो बोलते हैं, अरे हेलो क्यों बोलना भाई, हेलो अपने है क्या? वो जिन्होंने फोन का आविष्कार किया, उनका जो प्रेमी है, वो आविष्कार करने के बाद पहला कॉल, पहली दूरभाषा उन्होंने उस लड़की को किया, उस लड़की का नाम था हेलो। अरे हमें इतना गुलामपन जाना चाहिए क्या? हेलो 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 हेलो, दिन में हजार बार हेलो हेलो बोलते हैं। अरे कुछ भगवान के नाम ले लो ना, वंदे मातरम बोलो, जय सियाराम बोलो, जय हिंद बोलो, जय गुरुदेव बोलो, हरि ओम बोलो। रे ये गुलामीपन से हम बाहर अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, तो भाषा को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? जो अपना है उसके ऊपर 100% गर्व महसूस करते हुए, हर पल उसका अनुपालन जीवन में करते हुए हमको आगे बढ़ना है, तब देश विकसित होता है। ये शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ही ऐसे बढ़ावा देने का, भाषा प्रतिदिन के व्यवहार में दिखना चाहिए। केवल 14 सितंबर हिंदी दिवस नहीं है, हर दिन हिंदी दिवस है, हर पल हिंदी पल है। इसे इसको जीवन में उतारेंगे, हिंदी कवियों का, हिंदी कवियों का, नरेंद्र कोहली जी का रामायण महाभारत मैं पढ़ता हूं हिंदी में, मैं रोमांचित हो जाता हूं। ऐसे कई सारे कवियों का परिचय मुझे हो रहा है, ऐसे कविताएं लिखते हैं जो शव भी खड़े होकर उठ जाए, जीवित हो जाए। ऐसी बहुत मजबूत भाषा, शक्तिशाली भाषा हिंदी है, मैं पढ़कर रोमांचित हो रहा हूं। मैं अभी हिंदी भाषी होना चाह रहा हूं। ऐसी स्थिति में हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन आप सभी के चरणों में करते हुए, हिंदी भाषी नहीं होते हुए भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अपनी बात रखने का एक मौका दिया, इसीलिए आदरणीय सत्यकामा जी को, आरपी दास जी को और कुकरेती बहन कुकरेती जी को और अपने आदरणीय राजेंद्र पांडे जी को और सबके आदरणीय अपने कुलपति जी प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को और कट्टी मनी जी को, सभी को मैं सादर पूर्वक प्रणाम समर्पित करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, अत्यंत आभार आदरणीय श्री शंकरानंद जी, आपने विचारोत्तेजक, ज्ञानवर्धक और प्रेरक ढंग से इतनी महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया। भाषा नीति के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिप्रेक्ष्य है, उसे बिल्कुल सही अर्थों में रेखांकित और प्रस्तावित किया है, कैसे शिक्षा नीति का अनुपालन किया जाए और शिक्षा को संस्कार, अस्मिता, स्वाभिमान, चेतना और राष्ट्र निर्माण से एक सूत्र में बांधने की बहुत सार्थक कोशिश की है। इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और कृतज्ञता महोदय। और अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय प्रोफेसर आरपी दास जी को, माननीय समकुलपति इग्नू, कि वे अपने संबोधन से हमें प्रेरित करें। आदरणीय प्रोफेसर आरपी दास जी, मेरा सभी को नमस्कार, धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए। मैं भी जैसे शंकरानंद जी ने बोले हैं,
सत्यकाम जी और आप मिलके ये व्यवस्था किए हैं कि हम तीनों जो नॉन हिंदी वासी आपका ये सभा में रहेंगे और आप लोगों को उद्बोधन करेंगे। मैं भी 1981 तक मेरे को भी हिंदी बिल्कुल बोलना नहीं आता था। मैं जब 81 में जब हरियाणा पढ़ने गया कुरुक्षेत्र में, तब मेरे को हिंदी जब बोलना पड़ता था बहुत कष्ट भी होता था। जैसे शंकरानंद भाई साहब कह रहे थे, ऐसे लगता था कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे को उड़ीसा छोड़ के। मेरे को बिल्कुल हिंदी आता नहीं था। जब मेरे को अभी भी याद है, जब दिल्ली से मैं कुरुक्षेत्र जा रहा था, सबको के कौन सा भाषा में बोलूं ये परेशानी में मैं था। फिर भी कुरुक्षेत्र पहुंच गया और आज जो हिंदी बोल पा रहा हूँ, कुरुक्षेत्र आने का कारण ये संभव हुआ। और आज ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस में हमारा कुलपति जी का अनुपस्थिति में मेरे को अध्यक्षता करने के लिए जो सुयोग मिला है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारा कुलपति जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सत्यकाम जी को ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को बोला है कि कुछ कहना पड़ेगा, कुछ इस अध्यक्षीय भाषण देना पड़ेगा। आज का मुख्य अतिथि, आज का हिंदी दिवस का समारोह में मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री शंकरानंद जी, मुख्य वक्ता कटिमणि जी, मेरे बंधु सत्यकाम जी, राजेंद्र पांडे जी, कुकरेती मैडम जी और अन्य सभी श्रोतागण, मैं शुरू से अभी तक सुन रहा हूं कि हिंदी दिवस का क्या गुरुत्व है हमारा जीवन में, जो कि शंकरानंद जी ठीक कह रहे थे कि इसके लिए जितना हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था भारत का स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता का बाद, स्वाधीनता का बाद, भारत का आजादी का बाद जितना हमको ध्यान देना चाहिए था, हम दे देते तो आज हमारा देश दूसरा डेवलप्ड कंट्री से भी आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ना हमारा देश इसी कारण से मेरे ख्याल पिछड़ा कुछ रहने का कारण एक हमारा भाषा ही है कि हम हिंदी दिवस सिर्फ, जैसे भाई साहब ने बोले है कि हम हिंदी दिवस का दिन सिर्फ हिंदी का प्रचार प्रसारण के लिए जब बात करेंगे, ये सही नहीं है। हम हर रोज हिंदी दिवस पालन करना चाहिए, हमारा जीवन में इसको उतारना चाहिए। हमको हिंदी को कैसे बढ़ावा देना है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये बात सही है, कोई भी देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जब उस देश में एक भाषा नहीं होता है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि हम 1947 से एक हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा बनाने का बाद, 52-50 का बाद, अभी भी हम लोग इतना 75 साल होने जा रहे हैं, इसको जितना बढ़ावा देना था प्रयास तो हुआ है, लेकिन अभी पहले बार ये जो नया शिक्षा नीति बना है इसमें एकदम पूरा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो कि स्कूल शिक्षा से लेके कॉलेज शिक्षा और विश्वविद्यालय का शिक्षा में इसका गुरुत्वपूर्ण जो है, जो गुरुत्वपूर्ण दिया जाएगा उसका बारे में बहुत स्पष्ट लिखा गया है। और जैसे हमारा विश्वविद्यालय इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का नाते मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय में अभी तक 17 भाषा में बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए व्यवस्था हुआ है। और 2021 तक हम 21 भाषा में, लगभग सभी भाषा में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पाठ्यक्रम बनाया है। और उसके लिए हमारा कुलपति जी प्रयास रहते हैं और हम लोग जनवरी 2021 तक सभी भाषा में, लगभग 21 भाषा में, 17 भाषा में अभी हो चुका है और 4 भाषा में हम 2021 जनवरी तक पूरा कर देंगे। और हम लोग विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का नाते हम हमारा दायित्व समझते हैं, हमारा विश्वविद्यालय का जो लोग सब लगे हुए हैं ये शिक्षा को, राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं कि
कैसे करें, जैसे विश्व में हमारा विश्वविद्यालय राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ावा देंगे। ये बात जो शंकरानंद जी बोले है कि जब आपका पास अपना राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा में आप मजबूत नहीं है, तब आपका संस्कार नहीं संभव है, आपका शिक्षा संभव ठीक शिक्षा संभव नहीं है, ठीक संस्कृति संभव नहीं है। इसलिए ये जो नया शिक्षा नीति में जो इसको गुरुत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है हम सभी लोगों को, हम इसको सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और अपना राष्ट्रभाषा का साथ साथ अपना जो मातृभाषा है उसको कैसे बढ़ावा देंगे, इसको हम लोग सब प्रयास करेंगे। और मेरे को आज हिंदी दिवस में मेरे को ये मेरे को कुछ कहने के लिए मौका देने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और शंकरानंद जी को धन्यवाद देता हूँ और कट्टीमणि साहब को धन्यवाद देता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमको इतना सब राष्ट्रभाषा का बारे में कहने के लिए मौका दिए और हमको अपना विचार रखे। मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सार्थकता से इतने अच्छे ढंग से हिंदी के और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में मातृभाषा और भारतीय भाषा का संदर्भ रखा, खास तौर से इग्नू के परिप्रेक्ष्य में भाषा संबंधी जो नीतियां हैं उसको आपने रेखांकित किया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और विशेष रूप से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपने जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय उपलब्ध कराया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। और अब अंत में इस कार्यक्रम के सूत्रधार और प्रेरक आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी से निवेदन करता हूँ। माननीय समकुलपति हैं हमारे और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरक रहे हैं, रहेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है मुझे कि वे समापन वक्तव्य दे और धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम, धन्यवाद। प्रोफेसर पांडे, आज जैसा कि आदरणीय शंकरानंद जी ने कहा, आज बड़ा विलक्षण अवसर है और विलक्षण अवसर ऐसा है कि हमें से अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी भी मातृभाषा हिंदी नहीं। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा लेकिन मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और सबसे बड़ी बात कि मातृभाषा की परिभाषा कैसे करें। मेरे पिता भोजपुरी भाषी थे और मेरी माँ मगही भाषी थी, लेकिन दोनों के बीच जो संवाद हुआ करता था, क्योंकि मेरे पिताजी मगही समझ लेते थे, बोल नहीं पाते थे, मेरी माँ मगही बोल लेती थी, भोजपुरी नहीं बोल पाती, लेकिन दोनों के बीच संवाद हिंदी में होता था, लेकिन मुझसे मेरी माँ संवाद मगही में करती थी। खैर, तो हिंदी के बारे में जो एक बहुत बड़ी भ्रम है लोगों के मन में कि हिंदी कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसी बात नहीं है। हिंदी हम लोग सबको ही अर्जन करते हैं। निश्चित रूप से प्रोफेसर आरपी दास जी को, प्रोफेसर आदरणीय शंकरानंद जी को, प्रोफेसर कट्टीमणि जी को जितना श्रम करना पड़ता है हिंदी सीखने में, उतना इस प्रदेश के लोगों को श्रम नहीं करना पड़ता। तो जब पहली बार कट्टीमणि जी के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जिसमें वे माननीय सदस्य थे और मैं समझता हूं कि जो भाषा का जो पक्ष उसमें डाला गया है, मातृभाषा का और विभिन्न भाषाओं का शिक्षण में, उसमें निश्चित रूप से आदरणीय कट्टीमणि जी का योगदान है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है।
मैं धारवाड़ भी गया हूँ, वो मुझे अपने स्कूटर के पीछे बिठा के और मुझे धारवाड़ का कॉलेज में विश्वविद्यालय में ले गए थे, वो दिन भी मुझे याद है। तो हमें बड़ी आत्मीयता है, लेकिन उनको जब मैंने करीब से देखा तो मैंने देखा कि केवल हिंदी और कर्नाटक के प्रति ही नहीं, बल्कि देखिए वो अब तेलुगु भाषी प्रदेश में है और उड़िया भाषा पर काम करवा रहे हैं। तो एक जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है कटिमिनी का, उस भारतीय परिप्रेक्ष्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसीलिए मैंने जो सुझाव दिया कि कटिमणि जी को सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि सीधे जिसने उपनिषद रचा उसी के मुंह से श्लोक सुनते हैं, दूसरे के मुख से तो हम सुन रहे हैं। तो जो ये एक उपनिषद रचा है नई शिक्षा नीति के रूप में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है जिसके बारे में शंकरानंद जी कह रहे थे, और मुझे बार बार भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल है उस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है द इंडिया दैट इज भारत, वो मुझे बहुत खलता है। हमने अपने संविधान में भारत या भारतवर्ष या आर्यावर्त क्यों नहीं कहा, भारतवर्ष तो हम लगातार उसका उपयोग करते थे। मैं जब बहस को पढ़ने लगा, जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी कि क्या नाम रखा जाए आजाद भारत का, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत का, तो हम इंडिया नहीं छोड़ पाए वहां, इंडिया दैट इज भारत। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोहन उर्फ मोहनिया कुछ भी, यानी इंडिया भारत को नीचे रख दिया, मुख्य इंडिया है। हाँ, आप इसको भारत भी कह सकते हैं। तो ये जो एक जिसके बारे में शंकरानंद जी ने कहा कि जो ये औपनिवेशिक मानसिकता से जिस तरह से हमने आजाद होकर पहले कदम रखा, क्योंकि मुश्किल ये थी कि जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालय विकसित हुए, जिस तरह से हम लोगों को पढ़ाया गया, या पहले भी हमसे जो पहले के लोग थे भी उनको भी पढ़ाया गया, उनको अगर फिलॉसफी पढ़ाई गई, दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया, तो पश्चिमी माने अरिस्टोटल और प्लेटो पर ज्यादा जोर दिया गया, भरत मुनि पर कम जोर दिया गया, बताया ही नहीं गया कि भरत मुनि कौन। तो ये जो पूरी मानसिकता है वो मानसिकता हम भाषा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, जिसके बारे में शंकरानंद जी ने कहा बहुत अच्छा, अच्छे शब्द बंध का इस्तेमाल किया, कपट पूर्ण कृत्य। ये बिल्कुल कपट पूर्ण कृत्य है कि इंडिया भारत को इंडिया कहो, भारत नहीं कहो, और तभी तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी तेलुगु कन्नड़ या उड़िया में नहीं। और बिल्कुल सही कहा, जो आंकड़े प्रस्तुत किए शंकरानंद जी ने वो बिल्कुल सही प्रस्तुत किए। जब तक अपनी भाषा में हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम मौलिक विकास कर ही नहीं सकते। हम बहुत बात इस बात का करते हैं कि हमारे पास इतने प्रौद्योगिकी के लोग हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो प्रौद्योगिकी के लोग? वो दूसरे की विदेशी कंपनियों में काम करके, जिसको कहते हैं धन का अपवहन, हमारे देश के धन का अपवहन ही कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है भाषा, अपनी भाषा को न अपनाना।
असल में एक समस्या और हो गई भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की, कि औपनिवेशिक दृष्टि से भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की कोशिश की गई, जबकि भारत वैसा राष्ट्र नहीं है जैसा यूरोपीय अवधारणा में समझा जाता है। भारत एक सभ्यता सांस्कृतिक राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, और इसीलिए तो कहते थे जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, भारतवर्ष। तो ये जो संकल्पना थी, हम अपने अपनी पूरी अध्ययन प्रणाली से इस संकल्पना को हमने हटा दिया, और भाषा भी इसी का हिस्सा है। हमने निश्चित रूप से संविधान में 18 आज 22 हैं भाषाओं को सम्मिलित कर लिया है, लेकिन हम भारतीय भाषाओं को वो सम्मान नहीं दिया, हमने शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया हमने, और अब समस्या ये हो गई है कि अब जहां टूटी फूटी भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वहां की ओर बच्चे भागते हैं, माने उनके अभिभावक। और ऐसा नहीं है कि यह रोग अब केवल उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित है, यह मध्य वर्ग से रिस्सा हुआ निम्न मध्य वर्ग तक चला आया है, और जो निम्न वर्ग मध्य वर्ग के नीचे भी हैं, वो भी ये प्रयत्न करते हैं कि टूटी फूटी अंग्रेजी वाले या अंग्रेजी साइन बोर्ड लगे विद्यालयों में ही उनके बच्चे पढ़े। उसका कारण बिल्कुल शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो गुलामी की मानसिकता है उससे हम लोग उबर नहीं सके। ये जो हिंदी दिवस है, ये केवल हिंदी के महिमा मंडन का दिवस नहीं है, बल्कि एक अवलोकन, जो अपना अवलोकन करना है, आत्म अवलोकन करना है, वह आत्म अवलोकन का ये विषय। और कटिमणि जी ने जो यह वाकया सुनाया कि वो कन्नड़ के व्हाट्सएप ग्रुप पर या जहां भी फेसबुक ग्रुप पर जहां पर कन्नड़ भाषी लोग आपस में बात कर रहे थे कि हिंदी दिवस क्यों और कन्नड़ दिवस क्यों नहीं और तेलुगु दिवस क्यों नहीं और तमिल दिवस क्यों। सवाल ये नहीं है कि दिवस मनाने का, सवाल ये है कि जो है ये जो आज हिंदी दिवस हम मनाते हैं, और जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल हिंदी को ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं को एक और मातृभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और सबसे बड़ी बात कि जब भारत आजाद हुआ था, बहुत सालों तक, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कहीं भी चाहे वो संसद में हो, संसद से बाहर हो, विदेशों की बात तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजी ही मुख्य रूप से भारत की राजभाषा के रूप में प्रचलित। मुझे याद है मेरे पिताजी ये किस्सा सुनाया करते थे कि जब नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित यूएसएसआर गई और वहां पर उन्होंने अंग्रेजी में शपथ लेने का प्रयास किया तो वहां के राष्ट्रपति ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने राज्य की राष्ट्रभाषा में, तो उनको फिर हिंदी में शपथ लेने। ये यानी कि कोई जज्बा था ही नहीं, कोई भावना थी ही नहीं अपनी भाषा की। ये पहली बार संसद के भीतर, संसद के बाहर और देश के बाहर वंदनीय, पूज्य, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर इस पूरी गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता का जो ये बंधन है उसको तोड़ने की कोशिश। आज उन्हीं
पद चिन्हों पर चलते हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि अधिकांश जो हमारे मंत्री हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, वो हमेशा हिंदी में बोलते हैं। अभी मैं सुन रहा था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भाषण, वहां भी वे हिंदी में बोल रहे थे, रूसी में बोल रहे थे, चीनी व्यक्ति चीनी में बोल रहा था। तो एक एक भावना जगी है अब लोगों में कि हमें अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में बोलने के लिए एक 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 सम्मान का, एक गौरव का। असल में यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे मैं अनौपनिवेशिक बनाने की ओर, भारतीय गुलाम मानसिकता को अनौपनिवेशिक बनाने की ओर एक बढ़ता हुआ कदम मानता हूं। आज का जो यह हमारा हिंदी दिवस का आरंभ है पखवाड़े का, उस पखवाड़े का जो आरंभ हुआ है, कि जो शुरुआत हुई है, वह सब लोगों के, अलग अलग मातृभाषा के लोगों ने एक साथ हिंदी का दीप जलाया है। इसका मतलब हिंदी का महिमा मंडन नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम एक राष्ट्र हैं, हमारे पास कई भाषाएं हैं, कई कई श्रेणी भाषाएं भी हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, हमारी राष्ट्रीय परंपरा और हमारे राष्ट्रीय पथ को प्रदर्शित करने वाली। इसका मतलब ये नहीं है कि मराठी, उड़िया, बंगला ये राष्ट्र को प्रदर्शित करने वाले नहीं है। हमारे जो सबसे बड़े राष्ट्र कवि हैं, जिनको पहली बार दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला साहब, तो फकीर मोहन सेनापति, ये लोग केवल एक किसी भाषा के नहीं है, बल्कि भारत के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। मैं जब बार बार फकीर मोहन सेनापति और प्रेमचंद की तुलना करता हूं, और जो बांग्ला कथाकार है ताराशंकर बंदोपाध्याय, उनकी तुलना करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि ये भारत की बात कह रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन ये भारत की मिट्टी की बात कह रहे हैं। इसलिए भाषा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी तो एक हिंदी, इसलिए हिंदी की बात हम करते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरी भाषाएं कमतर है, पुरानी है, तमिल बहुत पुराना है, उड़िया बहुत पुरानी है, बांग्ला बहुत पुराना है, लेकिन जो आज की व्यावहारिकता है, जिसके बारे में शंकरानंद जी ने और कट्टीमणि जी ने कहा, जो व्यावहारिकता है, जो हमें दूसरे राष्ट्र से बात करनी है, तो हमारा एक चेहरा है, जो सांस्कृतिक चेहरा है हमारा, जो राजनीतिक चेहरा है हमारा, उसकी एक भाषा होनी चाहिए, और इसीलिए हम हिंदी की बात करते हैं। तो आज बहुत संयोग है कि दास साहब, प्रोफेसर कुकरेती, इनकी भी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं जानता हूं, गढ़वाली, कुमायुनी, तो मैं बहुत, आज मुझे एक नया आयाम इस पूरे जो विमर्श हुआ है, भाषा विमर्श, और शंकरानंद जी ने जो बात कही है, मैं बहुत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर आर पी दास जी ने ये बात कही कि ये हमारा विश्वविद्यालय लगातार ये कार्य कर रहा है भाषा की ओर, और हमें निरंतर मार्गदर्शन चाहिए।
आदरणीय शंकरानंद जी को मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की आपने गरिमा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफेसर कट्टीमणि मेरे अनन्य मित्र और लगभग 20-25 या उससे भी ज्यादा समय से हम हिंदी के क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं और हमारा जुड़ाव जो राष्ट्रभाषा के लिए काम करने वाली संस्था है जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी उसके माध्यम से है, दक्षिण प्रचार सभा मद्रास। हम लोग दोनों ही उस संस्था से जुड़े हुए थे, हम लोग उस कार्यकारी परिषद में थे और इस तरह हमारी मुलाकात हुई और हम लगातार एक दूसरे की घनिष्ठता बढ़ी। बहुत से समय हमने साथ साथ गुजारे हैं, ट्रेन में और उनके घर पर और उनके गांव में, तो मैं जानता हूं कि उन कितना विराट हृदय है उनका और भाषा के प्रति उनकी जो आस्था है, और एक कुशल प्रशासक तो वो है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा केंद्र जरूर वो अपने विश्वविद्यालय में खोलेंगे ताकि विभिन्न विश्व भाषाओं का अध्ययन वहां हो सके, और उड़िया और तेलुगु तो उनके आसपास बाजू में है ही, तो उसका तो अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बधाई, और आप इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं अपने साथियों को क्या धन्यवाद दूं, प्रोफेसर दास और प्रोफेसर पोखरेती को, वो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हम लोग एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नागेश्वर राव हमारे माननीय कुलपति के नेतृत्व में हम लोग तो विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति के अनुरूप आगे बढ़ाने की का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रोफेसर दास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप किस तरह से विश्वविद्यालय में कार्यान्वयन किया जा सके उस पर काम कर रहे हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में, उनके संपादकत्व में हमने एक विश्वविद्यालय ने एक पुस्तक भी निकाली है और इसके लिए वे बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। सर आपने इतना बड़ा काम किया है इसके लिए साधुवाद, और मैं मैडम कुकरेती और प्रोफेसर आरपी दास को भी नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया, और मैं प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी को कैसे भूल सकता हूं जो लगातार नॉक करते रहते हैं, खटखटाते रहते हैं दरवाजा, सुबह हो शाम हो रात हो, मैं सो गया हूं फिर भी ये फोन करते रहते हैं और बराबर ये कर लूं वो कर लूं। मैंने कहा कि भाई आप निदेशक हैं कीजिए, तो नहीं नहीं, तो मैं बहुत ही इस कार्यक्रम की सफलता में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और इसी तरह मैं ये शुभकामना देता हूं कि ये पखवाड़ा बहुत अच्छे से बने और आपके नेतृत्व में जो हिंदी समिति बनी है वो बहुत अच्छा कार्य करे। इसके अलावा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी निदेशकों को और क्षेत्रीय निदेशकों को और विभागाध्यक्षों को और अपने विद्यार्थियों को, सबको जो इस जूम से सीधे जुड़े हैं या फिर ज्ञान दर्शन से जुड़े हैं या फिर ज्ञानवाणी से जुड़े हैं या फिर फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ हिंदी दिवस के लिए, और हिंदी में काम करें, भारतीय भाषाओं में काम करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, उन्नत करें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बोधन सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया, व्यक्तिगत रूप से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब इसको संपन्न घोषित कर दिया जाए। थैंक यू, लेट अस कंक्लूड सर। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम, ऐसा नमस्कार।